जिला कांगड़ा के विकासखंड फतेहपुर की पंचायत लोहारा की वार्ड नंबर 3 मंजार के दो गरीब परिवारों के चूल्हे एक ही जर्जर हो चुकी रसोई में जल रहे हैं। बता दें कि उक्त गांव की अभिलाष व उसके भाई बकील सिंह के परिवार की गरीबी की हालत में एक ही जर्जर हो चुकी रसोई में अलग अलग चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। वहीं दोनों परिवारों के चार चार सदस्य एक एक कच्चे कमरे में रहकर ही गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों भाइयों में से एक भाई बकील सिंह को किसी विभाग द्वारा सहायता राशि दिए जाने व कुछ कर्ज उठाने पर उसने तो मकान खड़ा कर लिया, लेकिन अभिलाष की आर्थिकी कमजोर होने के चलते एक कमरे के कच्चे मकान की रिपेयर करवाना भी उसके लिए पहाड़ जैसा लगता है। अभिलाष ने बताया कि उसके परिवार को कुछ समय पहले ही बीपीएल में डाला गया है। मकान की जर्जर हालत की रिपेयर करने के लिए स्थानीय समाज सेवी जगदेव सिंह उनकी समय समय पर सहायता करते रहते हैं, जबकि पंचायत व अन्य प्रशासन की तरफ से उन्हें आज दिन तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। ये मकान आपका कितने कमरों का मकान है? ये एक कमरा है। एक ही कमरा है? रसोई अलग से है? हाँ जी, रसोई को यार दोनों भाई एक ही रसोई है, एक ही जगह खाना बनाते हैं दोनों परिवार। तो परिवार में कौन कौन है आपके? चार मुंडे हैं, तीन मुंडे हैं। आपके तीन लड़के? नहीं नहीं, दो लड़के हैं। दो लड़के, दो आप हैं, चार लोग हैं। तो बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती इस मकान में? आंधी है, पानी पड़ रहा है। अच्छा, पानी अंदर गिरता है। ये पुराना मकान है, पुश्तैनी है या आपने बनाया था अपने? इसलिए नहीं, पुराने पहले। आपकी पंचायत की तरफ से कोई हेल्प? कोई नहीं मिली अभी तो, कोई हेल्प नहीं मिली। कभी आपने कहा नहीं इनको कि हमें भी हेल्प चाहिए मकान की रिपेयर के लिए? या मकान अच्छा मकान के लिए बोला है तो क्या बोलते हैं? अली तो कुछ नहीं बोलेगा। देखो जी, वैसे तो बहुत हैं इधर जो हैं, मतलब मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोई जो आदमी आगे नहीं आता है इस मदद के लिए। हमारे पास जो यथाशक्ति है हम मदद करते हैं। इनके बच्चों की जो स्कूल में जाते हैं उनको फीस की कभी जरूरत पड़ जाती है या कपड़े की जरूरत पड़ जाती है, जो जितना भी हमारे से होता है तो हम इनको मुहैया करवाते हैं। अभी पीछे भी इनको जरूरत पड़ी थी, इनका मकान जब बरसात का पानी आ रहा था अंदर, तो उस समय मैंने इनको 10,000 रुपया दिया था। इससे उन्होंने टीन वगैरह लिया और वो डाला है। बाकी इनको किसी प्रशासन से या पंचायत से कोई भी मदद नहीं हुई है। कुछ हिमाचल के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।